नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल चौधरी कंपटीशन क्लासेस पर। तो इंडियन एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम था मार्च 19 से लेकर 23 मार्च के मध्य आपका एग्ज़ाम होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आपका जो एग्ज़ाम है अभी तक नहीं हो पाया है। अब देखा जाए तो आपका सितंबर महीना लग चुका है, तो इंडियन एयरफोर्स ने समय समय पर अपना नोटिफिकेशन जारी किया, डेट एग्ज़ाम डेट बताई, लेकिन वह एग्ज़ाम अभी तक नहीं कंडक्ट करा पाया। केवल और केवल इसका केवल एक ही कारण है, इतने सारे प्रोटोकॉल्स और इतने सारे आपका लॉकडाउन रहा इतना अब तक, इस वजह से आपका इंडियन एयरफोर्स अब तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाया है। तो इंडियन एयरफोर्स ने एक और नया नोटिफिकेशन जारी किया, आप इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उसने लिख रखा है कि आपको जो एग्ज़ाम है नवंबर के फर्स्ट वीक्स में करा दिया जाएगा। जितनी भी ऑफर्स हैं, जितनी भी प्रयास हैं इंडियन एयरफोर्स के, वह आपके नवंबर में एग्ज़ाम कराने के हैं। तो जो कैंडिडेट बार बार पूछ रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है होगा या नहीं, तो मैं आपको बार बार बोलता था कि आपका इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम डेफिनेटली होने वाला है। तो इतना जल्दी सारा प्रोसेस होगा क्योंकि क्या होता है कि इंडियन एयरफोर्स एक साल में दो बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। उसका एक बैच आपका एक बैच दिसंबर और जनवरी में जाता है, जिसके लिए जो एग्ज़ाम होता है वह आपका मार्च में होता है, और एक बैच आपका जुलाई में जाता है, जिसका एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट कराया जाता है। तो इस बार क्या हुआ है कि फर्स्ट जो बैच है, जिसका जो प्रोसेस होना था, जिसकी ज्वाइनिंग होनी थी दिसंबर और जनवरी में, उसकी ज्वाइनिंग होनी थी, उसका अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया है। तो क्या है कि आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम